नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको ज्योग्राफी सेक्शन में वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की तरफ लिए चलते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में स्थल मंडल, स्थलों पर बनी आकृति, पृथ्वी की इनर स्ट्रक्चर्स और पृथ्वी की गति, सौर मंडल, यूनिवर्स, ये सब चीज़ें जाना। अब हम पृथ्वी के जो आसपास आवरण है, वायुमंडल है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल किसको कहते हैं? देखिए, वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के ऊपर एक गैसीय आवरण है और उस गैसीय आवरण को हम कहते हैं वायुमंडल। भाई वायुमंडल बना कैसे? इसके संदर्भ में अलग अलग चीज़ें हैं कि पृथ्वी से ही गैसें निकली, क्योंकि आग का गोला बताया गया, उसमें हजारों करोड़ों वर्ष बारिश होती रही, तो उससे जलवाष्प गैसें वो बनी और उससे एक आवरण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के आसपास एक गैसीय आवरण का स्थापित हो जाना और वह बना वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो मोटाई है वो मानी जाती है 480 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है हमारा वायुमंडल माना जाता है। 300 माइल्स, कभी कभी माइल्स में पूछ लेता है, मील में पूछ लेता है, तो 300 मील या 480 किलोमीटर की जो मोटाई है वो आपकी वायुमंडल मानी जाती है। बात आती है कि हमारे वायुमंडल का आधुनिक स्वरूप कब आया? तो हमारे आधुनिक वायुमंडल का जो आधुनिक स्वरूप है वो कैम्ब्रियन युग में स्टार्ट हुआ। और कैम्ब्रियन युग कितना साल पुराना माना जाता है? 60 करोड़ वर्ष पुराना कैम्ब्रियन युग माना जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, 60 करोड़ वर्ष, ये याद रखिए, 60 करोड़ वर्ष यानी कितने साल पहले हमारा वायुमंडल बना? 60 करोड़ वर्ष पहले हमारा वायुमंडल निर्मित होता है। तो अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि भाई अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो आप कहते जीवन नहीं होता। चलिए, मैंने मान लिया जीवन नहीं होता कि वायुमंडल के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन है। जल के कह दें तो जल के बिना भी जीवन नहीं है। तो आखिर वायुमंडल ना होता तो होता क्या, वो हमें बताइए कि अगर वायुमंडल ना होता तब क्या होता। तो अगर वायुमंडल ना होता तो जीवन ना होता, ये आपकी बात सत्य है। अगर वायुमंडल ना होता तो तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता और बहुत तेज़ी से तापमान डाउन होता। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर वायुमंडल नहीं होता तो जीवन तो होता ही नहीं। लेकिन जीवन ना होने के साथ साथ एक और हम फिजिकल बात बताएं तो वो ये है कि तापमान में एकाएक वृद्धि हो जाती और तापमान में एकाएक कमी हो जाती। तो ये क्योंकि सौर विकिरण नहीं हो पाता, एल्बर्ट पावर का कोई यूज नहीं हो पाता, क्या है, क्योंकि एल्बर्ट पावर गैसों की एल्बर्ट पावर अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड की एल्बर्ट पावर 70% है, विकिरण को रोक लेती है, तो गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो चलिए, वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को संरचना के आधार पर दो भागों में, ठीक है, तो दो भागों में कौन सा नंबर एक? स्टूडेंट ध्यान दें, सममंडल, पहला भाग है सममंडल और दूसरा है विषममंडल। ठीक है, विषममंडल। अच्छा, सममंडल को होमोस्फीयर कहेंगे आप इंग्लिश में, होमोस्फीयर, और विषममंडल को हेटरोस्फीयर, हेटरोस्फीयर। ठीक है, अब इनको सममंडल तापमान के आधार पर भी कहते हैं। देखिए, सममंडल का जो वो है वो माना गया है जी 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। कितने तक? 80 किलोमीटर हाइट तक जो आपका क्या माना गया है, सममंडल माना गया है। और इससे ऊपर की ऊंचाई में जो है विषममंडल माना गया है। विषममंडल जो है 80 किलोमीटर से और 480 तक भी कहते हैं कुछ लोग 640 तक कहते हैं, और मैं कहता हूं कि बाहर तक आप कहीं तक भी रख सकते हैं। तो विषममंडल की ये वो हो रही। अब देखिए, सममंडल एक्चुअल में है क्या? सममंडल में गैसों की सघनता है, गैसों की सघनता, और गैसों की सघनता इस प्रकार की, नीचे की तरफ तो गैस ज़्यादा है, ऊपर की तरफ ये कम होती चली गई है। ठीक है, ओजोन परत और इसी में 19 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत इसमें पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो जीरो से शुरू हो जाती है लेकिन 19 से 50 किलोमीटर तक ये सीमित हो गई है। इसके बाद वाष्प, इसमें हमने बताया ना, वाष्प इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, ये तो सीधी सी बात है, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी और ऊपर की तरफ कम होगी। तो वाष्प जैसे जैसे नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ कम हो जाएगी और नीचे की तरफ ज़्यादा होगी। तो ये आप सममंडल में पढ़ रहे हैं। तो सममंडल के तीन पार्ट हम पढ़ते हैं। कितने पार्ट स्टूडेंट? तीन पार्ट पढ़ते हैं। तो जरा देखिए कौन कौन से क्लासिफिकेशन है इनका, वो समझिए। सममंडल का पहला पार्ट है क्षोभ मंडल। सबको पता है ना, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी।
तो मैं लिख रहा हूँ, आप चलिए जरा, पहला है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रैपोस्फीयर। ये ध्यान रखना, ट्रैपोस्फीयर ये जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये होता है कि वो ऑप्शन इंग्लिश टू सीधा सीधा लिख देता है, व्हाट्सअप लैंग्वेज लिख देता है, वो उसको ट्रैपोस्फीयर लिख देगा। अब अगर आपने क्षोभ मंडल ही पढ़ा होगा तो आप नहीं समझ सकते, स्ट्रेटोस्फीयर किसको कहेंगे, मीसोस्फीयर किसको कहेंगे, ये आप नहीं जान सकते। तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट एंड सबको एक सलाह है कि आप इन सबको इंग्लिश में भी अवश्य पढ़ लें, यानी क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, ट्रैपोस्फीयर। तो अब आप ट्रैपोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक, देखिए सागर तल से क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा तक ये माना जाता है। अब क्षोभ सीमा को क्या क्या लोगों ने कहा है, क्षोभ सीमा को जो स्टूडेंट कहा गया है, एक तो -57 डिग्री टेम्परेचर, इसको बताया गया है -57 डिग्री टेम्परेचर, और क्षोभ सीमा तीनों जगह अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की, तो ध्रुवों पर अलग होगी, विषुवत रेखा पर अलग होगी 45 डिग्री पर, और विषुवत पर, तो तीनों पर ये जो है अलग अलग क्षोभ सीमा बनाती है। कैसे कैसे बनाती है, क्षोभ सीमा को इंग्लिश में लिख दीजिए ट्रोपोपोज, इंग्लिश में लिखते चलिए ट्रोपोपोज, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपोज, तो इसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा -57 डिग्री, लेकिन ये क्षोभ सीमा अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। कैसे, देखिए विषुवत रेखा पर ये 19 किलोमीटर है, ठीक है, और इस पर विषुवत रेखा पर 19 किलोमीटर, 45 डिग्री पर ये जो है 13 किलोमीटर यानी कम होती चली गई, और ध्रुवों पर ये जा पहुंच जाती है 8 किलोमीटर तक। यानी ध्यान दें कि 19 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर मानी जाती है, उसके बाद 45 डिग्री पर 13 किलोमीटर, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। और एक और बात स्टूडेंट हम बता दें इसके खूबी, गर्मियों में इसका विस्तार हो जाता है, गर्मियों में क्षोभ सीमा का विस्तार होता है, क्या होता है स्टूडेंट, विस्तार होता है, ठीक है। तो ये क्षोभ सीमा जो है गर्मियों में बढ़ जाती है, और वायुमंडल की 90% जो क्वांटिटी है, कितनी 90% क्वांटिटी किस में है, वो इसी क्षोभ सीमा में स्थित है। वायुमंडल की वायु राशि जो है उसकी 90% क्वांटिटी आपकी क्षोभ मंडल में मिलती है, पाई जाती है, और इसमें वाष्प और प्रदूषक मिलते हैं, वाष्प व प्रदूषक भी इसी में मिलते हैं। भाई ना प्रदूषक इस रेंज को पार कर सकती और ना वाष्प इस रेंज को पार कर सकती। अब वाष्प और प्रदूषक इसमें मिलते हैं, तो मतलब वाष्प से और प्रदूषकों से जो घटनाएं होती हैं वो भी सब इसी में मिलती हैं, और इसकी ऊंचाई के कारण ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतु एवं धरातलीय तापमान के साथ इसमें इसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है, ऋतु एवं धरातलीय परिवर्तन, धरातलीय परिवर्तन के द्वारा इसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है। मैंने बताया ना गर्मियों में क्षोभ सीमा का विस्तार होता है, ऋतु और धरातलीय परिवर्तन के कारण इसकी ऊंचाई में होता है, वाष्प प्रदूषक इसमें मिलते हैं। अब वाष्प और प्रदूषक अगर इसमें मिलते हैं तो जितने कुछ काम है जो इसमें होते हैं, चलिए मैं इनको हटा देता हूँ और कामों को लिखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो समझिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है जहाज उड़ सकते हैं, नहीं उड़ेंगे, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएँ सब इसमें होती हैं, क्या मौसमी घटनाएँ, और मौसमी घटनाएं में आप जरा बताइए, जरा मौसमी घटनाओं में क्या होता है, पवन चलना, आंधी चलना, है ना, पवन चलना, आंधी चलना, कोहरा आना, कोहरा या तुषार, ठीक है ना, कोहरा या तुषार ये चलते हैं, आंधी चलती है, बादल वर्षा चौथा लिख देते हैं, बादल इसी में, वर्षा इसी से होती है, जब बादल इसमें बनेंगे तो वर्षा होगी, हिमपात भी इसी से होता है, कौन सा, हिमपात, हिमपात समझते हैं ना, बर्फबारी जिसको आप कहते हैं मनाली में जाके कि बर्फबारी हुई, ओला कुहार ये सब इसी में, ओला कुहार सब इसी में, यानी जितनी मौसमी घटनाएं मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ तो वो सब इसी में होती है। दूसरा, इसमें तापमान का ह्रास होता है, तापमान ह्रास, तापमान ह्रास किसको कहते हैं, तापमान की में कमी। अब ये तापमान में कमी कैसे होती है वो देखिए, 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर
ये घटता है, मतलब एक डिग्री सेल्सियस आपको 165 मीटर पर घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो एक डिग्री टेम्परेचर आपका घट जाएगा अगर आप 165 मीटर ऊपर चले गए। और ये जो है ये लैप्स ऑफ रेट कहलाता है, लैप्स ऑफ रेट, लैप्स रेट नॉर्मल, और कौन सा वाला नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट या नॉर्मल लैप्स रेट ये कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी में, इसी वायुमंडल में, इसी उसमें होती हैं। दूसरी की तरफ चलते हैं तो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं बाकी, आप कम्युनिटी ज्वाइन के लिए उसमें हम आपको लिखवाते हैं समताप मंडल, क्वेश्चन देते हैं हम उसमें, तो आप उन क्वेश्चनों को वहाँ से सॉल्व करिए तो कुछ जानकारी आपको क्वेश्चनों से मिल जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फीयर आप देखिए, समझिए जरा, समताप मंडल की निम्न सीमा तो होगी माइनस के 57 डिग्री सेल्सियस और उच्च सीमा होगी 0 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ तक मिलती है उच्च सीमा, 50 किलोमीटर तक, यानी नीचे कुछ भी हो निम्न सीमा, भाई अभी बताया ना कि ध्रुवों पर अलग होती है, विषुवत पर अलग होती है, उस पर अलग होती है, उस पर अलग होती है, लेकिन इसका ऊपर का पॉइंट फिक्स है 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जो है मानी जाती है। ऋतु कोई भी हो, कुछ भी हो, 50 किलोमीटर पर इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऊपर की सीमा 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे की सीमा माइनस 57 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इसको हम समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में अब बात यह है कि इस मंडल में ओजोन पाई जाती है, कौन सी पाई गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है जो इस मंडल में मिलती है। 19 किलोमीटर से बताया ना, 19 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन गैस मिलती है, तो इसमें इसका बहुतायत यूज होता है, ओजोन गैस इसमें मिलती है आपकी। ओजोन गैस का काम क्या है भाई, वो यूवी किरणों से बताती है, यू अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी आर, ठीक है ना, यूवी रेज से वो बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज किसका कारण होती है, कॉज ऑफ कैंसर, ये अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेज में रख दिया जाए तो आपको कैंसर हो जाएगा, और कैंसर भी कौन सा, स्किन कैंसर। अच्छा, इसकी ऊपरी जो सीमा है वो समताप सीमा कहलाती है, समताप सीमा, समताप सीमा को ऊपरी सीमा है, ये कौन सी सीमा है, ऊपरी सीमा, कौन सी वाली, 0 डिग्री वाली ऊपरी सीमा, तो समताप सीमा इंग्लिश में इसको कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज, चलिए, तो स्ट्रेटोपॉज जो है समताप सीमा, इसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होंगी स्टूडेंट, याद रखिए, मौसमी घटनाएं नो, मौसमी घटनाएं नहीं होती। अब जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो समझिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, हवाई जहाज उड़ेंगे भाई, जब घटनाएं नहीं होंगी तो हवाई जहाज उड़ाने का सबसे मुफीद स्थान है ये, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती और हवाई जहाज इसका इसमें उड़ता है, लेकिन मौसमी घटना नहीं होती, लेकिन एक बनता है इसमें मुक्ताब मेघ, ये ध्यान दीजिए, मुक्ताब मेघ, मुक्ताब मेघ। अब आप कह रहे हैं मुक्ताब भाग लिख गया है, मुक्ताब मेघ, मुक्ताब मेघ जो होता है ये होता क्या है, इसको इंग्लिश में मदर ऑफ पर्ल, क्या कहते हैं, मदर ऑफ, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, ऑफ पर्ल क्लाउड भी कह देते हैं, क्लाउड, यानी इसको कहते कैसे, मुक्ताब मेघ होता क्या है, जब कभी बादल समताप मंडल में बन जाए तो वो डायमंड की तरह चमकने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, चमकीला होता है, कुछ भी है तो उसको हम क्या कहते हैं, मुक्ताब मेघ कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मौसमी घटनाएँ नहीं होती लेकिन मुक्ताब मेघ इसमें बन जाते हैं। तो वैसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे मुफीद स्थान है समताप मंडल, आप इसमें बड़े आसानी से हवाई जहाज उड़ाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, इससे अगला जो है मध्यमंडल हम लिए चलते हैं, तीसरा है मध्यमंडल मीसोस्फीयर। बताइए मध्यमंडल मीसोस्फीयर किसको कहेंगे, मध्यमंडल मीसोस्फीयर। ठीक है, मीसोस्फीयर देखिए, इसकी ऊपरी सीमा भाई मध्य निम्न सीमा तो आपको पता चल गई 0 डिग्री 50 किलोमीटर वाली है, ये पहले तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक माना जाता है, मतलब ये समताप मंडल का तीसरा पार्ट है। ठीक है, 80 किलोमीटर सम मंडल को ये पूरा कर रहा है, किसका पार्ट है, सम मंडल का। ठीक है, अभी पढ़ाया था ना होमोस्फीयर का, तो 50 किलोमीटर से ये 80 किलोमीटर तक माना जाता है, ऊपरी सीमा इसकी मीसोपॉज कहलाएगी,
ऊपरी सीमा, निचली सीमा आप समताप सीमा को भी इसकी नीची सीमा कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाली। और देखिए इसको वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कहते हैं, वायुमंडल का सबसे ठंडा, ठीक है स्टूडेंट, वायुमंडल का सबसे ठंडा जो वो है मंडल है वो ये है। इसका एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर, इसका एवरेज टेम्परेचर स्टूडेंट माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो माइनस 90 तो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, माइनस 57 तक हमने आपको बताया, तो माइनस 90 डिग्री सेल्सियस इसका वो है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है कि क्या है कैसे है, तो ये तीसरा है सम मंडल वाला। चलिए इसके बाद आपको विषम मंडल की हम बात करते हैं, कौन सा विषम मंडल। तो विषम मंडल क्या है, हेट्रोस्फीयर की हमने बात की थी, तो विषम मंडल ध्यान दें, इंग्लिश नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। विषम मंडल में क्या है, देखिए इसको हम दो नामों से और जानते हैं, नाम कह लीजिए, क्लासिफिकेशन कह दीजिए, तापमंडल और आयन मंडल, ठीक है। तापमंडल को 480 किलोमीटर तक माना जाता है, 80 किलोमीटर से, भाई 80 पे एंड हुआ था ना उसका, और इसको 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसको कहा है। तो 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक तापमंडल भी बोल देते हैं उसको, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक भी उसको आयन मंडल बोल देते हैं, और आयन मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर जो है एक्सो मंडल हो जाए, एक्सो स्फीयर हो जाता है, वायुमंडल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गैस की सघनता नहीं है, गैस बहुत कम है, गैस कम है, ठीक है, सघनता नहीं है गैसों का, पूर्ण रूप से मिश्रण नहीं है गैसों का। और इसको इसी उसमें तापमंडल में हमने मिलता है सौर ऊष्मांक, ठीक है, सौर ऊष्मांक हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, सौर, सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को हम अगली वीडियो में बताएंगे कि सोलर कांस्टेंट होता क्या है। यानी जो सौर ऊष्मांक मिलता है वो इन्हीं तापमंडल और आयन मंडल को मिलता है। चलिए तापमंडल में गैसों की बहुत कम होता है, हमने आपको बता दिया इन, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, गैस जो इसमें है हाइड्रोजन और हीलियम, उनका जो टेम्परेचर अणुओं का है वह 1200 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन वो इतने दूर दूर विरल विरल फैली हुई हैं कि ये मंडल गर्म नहीं होता है, वरना 1200 डिग्री सेल्सियस जिसके अणुओं का तापमान हो और गैस अगर नज़दीक होती तो ये क्या होता, ये तो वो हो जाता, सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ जाता। अब जब गैसों का जो अणुओं का 1200 डिग्री टेम्परेचर तापमान होता है तो ये जो है आयनिक रूप में बदल जाती है, आयन बना देती है, क्या बना देती है, आयन बना देती है, यानी ये जो है अणु जो है सक्रिय हो जाते हैं, अणु एक्टिव हो जाते हैं। तो जिनको जब अणु एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम कह देते हैं आयन मंडल, उसको हम क्या कह देते हैं, आयन मंडल, जिसमें अणु एक्टिव हो जाए, आयनिक फॉर्म में हो जाए, सक्रिय हो जाए, हम उसको क्या कहेंगे, आयन मंडल। स्वचालित ऑक्सीजन भी इसी में मिलती है, एक क्वेश्चन पूछा गया स्वचालित ऑक्सीजन किसमें है, तो भैया स्वचालित ऑक्सीजन भी आपके आयन मंडल यानी ताप मंडल या विषम मंडल में पाई जाती है, ध्यान दें। अब इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, इस आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण, और रेडियो तरंगों का परावर्तन भी यहाँ से होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन भी यहाँ से होता है, ठीक है, रेडियो तरंग जो आप भेजते हैं वो वहाँ तक जाती हैं और वहाँ से टकरा के ये वापस आती है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन भी आपका आयन मंडल में होता है। अब ये परतों में पाया जाता है, आयन मंडल किसमें, डी ई एफ और जी, इन परतों में पाया जाता है, और इन्हीं से अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की जो रेज है आपकी रेडियो तरंग वो वापस आती है। ब्रह्मांड किरण है कॉस्मस रेज, कॉस्मस रेज भी आपको इसी आयन मंडल में आती है, कॉस्मस रेज, और जो हमने ओरोरा स्थिति बताई थी आपको दूसरी वीडियो में, ओरोरा जो जितना है ध्रुव ज्योति जब बनती है, क्या, ओरोरा ध्रुव ज्योति, यानी ध्रुवों पर जो ज्योति का सा नज़ारा उत्पन्न हो जाता है, बर्फ आतिशबाजी का सा नज़ारा उत्पन्न हो जाता है नॉर्थ पोल पर ओरोरा बोरियोलिस, और साउथ पोल पर आपको ओरोरा ऑस्ट्रेलिस हमने बताया था स्टूडेंट, तो वो ध्रुव ज्योति भी इसी कॉस्मिक रेज की वजह से आपको उसमें मिलती है, वो इसमें कॉस्मिक रे मिली और ग्रेविटेशनल फोर्स ने ध्रुवों पर वो खींच लिया, क्योंकि ध्रुवों पर जो 8 किलोमीटर तक आपका मंडल जाता है, यानी ध्रुवों पर कुछ मंडल की ऊंचाई कम है, तो ध्रुव ज्योति के दर्शन भी आपसे पूछ लिया जाए, वो एक्चुअल में वो किसमें होते हैं, वो आयन मंडल में होते हैं। इसके बाद का जो है वायुमंडल है वो कैकम की स्थिति में हो जाता है, कौन सी स्थिति, एक बार पूछा, आयन मंडल से ऊपर का जो मंडल है वायुमंडल है वो कौन सी स्थिति में होता है, कैकुम,
कैकुम स्थिति में हो जाता है, स्पेलिंग लिख लीजिए कैकुम, कैकुम कैकुम कंडीशन में हो जाता है, और इसको हम कहते हैं आउटर स्पेस, आउटर स्पेस कहते हैं या एक्सो स्फीयर कह देते हैं, एक्सो स्फीयर बाह्य मंडल। तो ये बाह्य मंडल है। अब स्टूडेंट वायुमंडल को भी क्या जरूरत पड़ी कि वायुमंडल में, एक तो देखिए वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें मिलेंगी, कौन सी, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैस है, हीलियम गैस है। और देखिए इसका एक और विशेष महत्व है, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह जो लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल आपको सैटेलाइट जो आप लगाते हैं, कौन सा आर्टिफिशियल ऐसे लिख देते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो स्थापना आप करते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह जो है आप इसी एक्सो स्फीयर में सेट कर देते हैं। जैसे बताते ना अभी गूगल ने छोड़ा है आपकी स्थिति को, नेविगेशन को सुधारने के लिए, पहले इतना सटीक विश्लेषण नहीं होता था, अब सटीकता के साथ विश्लेषण होने लगा है। तो जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, यानी संचार और कम्युनिकेशन वो है, संचार उपग्रह है, वो सब इसी में सेट किए जाते हैं। अब वो संचार उपग्रह हो कोई भी हो, सब इसी में सेट किए जाएंगे, एक्सो स्फीयर में सेट किए जाएंगे। कोई दिक्कत स्टूडेंट आपको इस तरह की उसमें हो तो बताइए। तो वायुमंडल के आपने चार या पांच पार्ट पढ़े, और देखिए कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर देखते रहिए, उसमें हम जो आपको क्वेश्चन सीरीज देते हैं और वीडियो को टैग करके देते हैं कि किस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो वायुमंडल में अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हैं इतना ही, जुड़े रहिए आप स्टर्न कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ। मैं अरविंद कुमार लोहिया आप सबसे विदा लेते